नमस्कार बच्चों, ये देखिए हमने यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम वर्टिब्रेट्स के देख सकते हैं फीमेल्स के। ये सबसे पहला जो है दैट इज़ इन द फाउंड इन द डॉग फिश, जो नेक्स्ट है दैट इज़ फाउंड इन द बोनी फिश, उसके बाद एम्फीबियन रेप्टाइल। हम अभी देखते जाएंगे फिशेस के बारे में हमने बात की थी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि फिशेस में भी देखिए ये इस तरीके से ओवरीज हैं, इसमें से ये किडनी का इनके पास ही है बट इट इज़ नॉट वेरी मच एसोशिएटेड विद इट। और उसके बाद ये जो ओवरीज हैं इसमें से वोलेरियन डक्ट निकल रहा है और ये वोलेरियन डक्ट ही लेटर ऑन मॉडिफाई होके ओवेरियन डक्ट वो ओवी डक्ट कहलाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में क्या है, थ्रू आउट द क्लास एम्फीबिया जो ओवी डक्ट जो हैं उनका एक ही जनरल पिक्चर हम देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देखिए, ये ओवी डक्ट हैं इसमें और ये ओवरी है, ये किडनी है, ये इसको ओवरी से निकलने वाले ओविडक्स हैं। तो एम्फीबियंस में सभी में ज़्यादातर एक तरह का ही पैटर्न देखने को मिलता है ओविडक्स का, ठीक है। कैसे हैं, पेयर्ड हैं, इलोंगेटेड ट्यूब्स हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दे आर पेयर्ड एंड इलोंगेटेड ट्यूब्स। देखिए ये ओवरी है, ओवरी से निकलने वाला ओविडक्ट है, ओविडक्ट जो है वो पेयर्ड है, इलोंगेटेड ट्यूब है और ऑस्टिया जो हैं दे आर प्लेस्ड क्वाइट एंटीरियरली इन द बॉडी। इसमें जो ऑस्टिया हैं वो एंटीरियर पोजीशन पर तो होते हैं बॉडी के और लेट बॉडी कैविटी के एंटीरियर पोजीशन पे पाए जाते हैं। पोस्टीरियरली दे ओपन इंडिपेंडेंटली इनटू द क्लोका। अब यहाँ पर ये पोस्टीरियरली आप देख सकते हैं इनकी ओपनिंग, ये देखिए इस तरह से ये क्लोका में खुल रहे हैं, जो वाइट कलर की आपको दिख रही है। ब्लैक कलर की बात नहीं कर रहे अपन, अपन कर रहे हैं इसकी बात, ठीक है। दे आर पोस्टीरियरली ओपनिंग इनटू द क्लोका, ओके। ये जो ब्लैक कलर का है, सॉरी इसी की बात कर रहे हैं अपन। जो ओविडक्स हैं ये एंटीरियरली, इसमें बहुत सारे ऑस्टिया देखने को मिलते हैं, पर पोस्टीरियरली ये इंडिपेंडेंटली क्लोका में खुलते हैं। ओविपेरस फॉर्म्स में जिनमें कि एग्स लिए किए जाते हैं, जो कॉडल पोर्शन है ऑफ द ओविडक्ट दैट में इलोंगेट टू फॉर्म ओवी सैक फॉर एक्युमुलेटिंग एग्स बिफोर स्पॉनिंग। एम्फीबियंस में कुछ ऐसे एम्फीबियंस भी हैं जिनमें जो ओविपेरस हैं, इनमें जो कॉडल पोर्शन है ओविडक्ट का वो इलोंगेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इलोंगेट है, थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है और ओवी सैक बनाता है फॉर एक्यूमुलेटिंग एग्स बिफोर स्पॉनिंग, उनको डिस्चार्ज करने से पहले एग्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, बिकॉज इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ओवोविविपेरस जो होते हैं, जैसे जो ओवी सैक है दैट सर्व्स एज अ यूट्रस। ओवोविविपेरस में क्या होता है, जो ओवी सैक है जिनमें एग्स एज वेल एज अडल्ट जो हैं या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस का लार्वल फॉर्म्स जो हैं दे आर डिस्चार्ज, उनको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ओवी सैक्स जो है ये यूट्रस की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी एम्फीबियन ओविडक्ट। अब हम रेप्टाइल्स के ओविडक्ट के बारे में बात करते हैं। रेप्टाइल्स में क्या होता है, ये रेप्टाइल्स का आप देख सकते हैं डायग्राम। रेप्टाइल्स में जो ओविडक्ट्स हैं दे कम्युनिकेट विद द सीलोम एट द एंटायर एंटीरियर एंड पर, ये सीलोम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू स्लिट लाइक ऑस्टिया। ऑस्टिया जो है स्लिट लाइक, उसके साथ ये सीलोम से कम्युनिकेट कर रहे हैं एट द एंटीरियर एंड, ऊपर की तरफ देखिए, और उसके बाद पोस्टीरियरली ओपन इंडिपेंडेंटली इनटू द क्लोका। पोस्टीरियरली आप देखो इनकी दो ये ओपनिंग्स आपको दिख रही होंगी क्लोका में, जो ब्लैक कलर की आपको यहाँ पे वो दिख रही है, इसकी बात कर रहे हैं अपन। एंटीरियरली तो ये सीलोम से कम्युनिकेट कर रहे हैं और पोस्टीरियरली दे आर ओपनिंग इंडिपेंडेंटली इनटू द क्लोका। इन स्फिनोडोन में और टॉर्टोइज में और क्रोकोडाइल्स में ओविडक्ट जो है दैट इज़ लाइंड विद एल्बुमिन सीक्रेटिंग ग्लैंड्स। ओविडक्ट जो है यहाँ पर दे आर लाइंड विद एल्बुमिन सीक्रेटिंग ग्लैंड्स, और स्नेक्स और लिजर्ड्स में दीज ग्लैंड्स आर मिसिंग। एल्बुमिन सीक्रेटिंग ग्लैंड क्यों होता है, फॉर दी जिनमें योकी एग्स ले होने हैं उनको एल्बुमिन, उसमें एडिशन के लिए फॉर दी एल्बुमिन, ओके। सो दिस इज़ दी केस इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कोई ऐसा विशेष अपन नहीं देखेंगे, बस आप ये देख सकते हैं कि इसमें एंटीरियरली ये सीलोम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, पोस्टीरियरली इंडिपेंडेंटली खुल रहे हैं क्लोका में, और कई सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिसमें जो ओविडक्ट्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद एल्बुमिन ग्लैंड्स, ठीक है, फॉर दी सीक्रेशन ऑफ योक। बर्ड्स में हम देखें तो देखिए बर्ड्स में ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। बर्ड्स में क्या होता है, ज़्यादातर बर्ड्स में एक ही ओविडक्ट होता है, क्योंकि हमने देखा था कि उसमें राइट ओवरी जो है वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म्स में तो दोनों ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, पर एज सून एज दे बिकम अडल्ट द राइट ओवरी एट्रोफीज और डीजनरेट्स, ओके। सो देयर इज ओनली वन ओविडक्ट, यू कैन सी दिस ओविडक्ट, एक ही ओविडक्ट है और अदर वन जो है वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड नहीं है या एट्रोफी हो जाता है,
ओके। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दोनों ओविडक्ट्स होते हैं, जैसे दोनों ओवरीज होती हैं, पर एज सून एज द बिकम अडल्ट जो राइट ओविडक्ट है और जो राइट ओवरी है, ये दोनों के दोनों डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ लेफ्ट ओविडक्ट जो है और लेफ्ट ओवरी ही फंक्शनल रहती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें, इस डायग्राम में हम ये समझ सकते हैं कि बर्ड्स में क्या विशेषता है कि देर इज़ ओनली सिंगल ओविडक्ट एंड सिंगल ओवरी इन दी अडल्ट फॉर्म्स, बट इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बोथ दी ओवरीज एंड बोथ द दिस थिंग ओविडक्ट्स आर प्रेजेंट, बट एज सून एज बिकम अडल्ट द राइट ओविडक्ट एंड द राइट ओवरी डिजेनरेट्स और एट्रोफीज एंड ओनली द लेफ्ट ओविडक्ट इज फंक्शनल। ये जो फंक्शनल लेफ्ट ओविडक्ट है, ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रीजन्स, कई सारे रीजन्स की बनी हुई लॉन्ग कॉइल ट्यूब है, ओके, विच फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड आर ऑस्टियम बॉर्डर्ड बाय इन्फंडिबुलम। अगर हम एंटीरियर पार्ट में देखें तो कई सारे ऑस्टियम हैं जो कि इन्फंडिबुलम से बॉर्डर्ड हैं, अ ग्लैंडुलर पोर्शन है जिसको हम मैग्नम कहते हैं जो कि एल्बुमिन सीक्रेट करने का काम करता है, जैसे कि हमने अभी रेप्टाइल्स में देखा था, ठीक है, और इट इज़ फॉलोड बाय इस्थमस विच लीड्स टू अ शेल ग्लैंड और द यूट्रस। फिर यहाँ पर एक इस्थमस होता है, एक पतला सा जोड़ होता है जो इस्थमस कहलाता है, जो कि इसको शेल ग्लैंड्स को या यूट्रस को जोड़ने का काम करता है। फिर लेटर ऑन इट ओपन्स इनटू द क्लोका बाय अ शॉर्ट टर्मिनल मस्क्यूलर वजाइना, इट ओपन्स इनटू द क्लोका बाय अ शॉर्ट टर्मिनल मस्क्यूलर वजाइना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिंगल ओविडक्ट है वो कितने सारे उसके पार्ट्स हैं, कितने सारे रीजन्स में वो डिवाइडेड है। सबसे जो एंटीरियर मोस्ट रीजन है उसमें ऑस्टिया होते हैं, और उसके बाद उससे बीच वाला जो रीजन है दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नम जो कि एल्बुमिन सीक्रेट करने का काम करता है, विच इज़ फॉलोड बाय इस्थमस विच लीड्स टू अ शेल ग्लैंड और द यूट्रस एंड दिस यूट्रस ओपन इन द क्लोका बाय अ मस्क्यूलर वजाइना। दिस वजाइना में सीक्रेट म्यूकस एंड विच सील्स द पोर्स ऑफ द शेल टू वाटर वेपर बट नॉट टू ऑक्सीजन। ये जो वजाइना है दैट सीक्रेट्स द म्यूकस सीक्रेट करने का काम करता है, जो इसके जो शेल के पोर्स हैं, क्योंकि शेल ग्लैंड्स जो हैं उसमें शेल्स में शेल में पोर्स होते हैं, उनको ये वाटर से तो उनको वाटर वेपर्स को तो बिल्कुल बंद कर देता है उनका वो होना, लेकिन ऑक्सीजन जो है अंदर बाहर आ जा सकती है, वाटर वेपर्स जो है वो सील कर देता है ताकि उसके साथ कोई डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, सो दिस इज़ इन बर्ड्स। नाउ इन मैमल्स में यू कैन सी द डिटेल स्ट्रक्चर। मैमल्स में प्रोटोथीरियंस को अगर हम ना देखें तो सभी मैमल्स में ओविडक्ट्स जो होते हैं दोनों साइड के, दे फ्यूज़ पोस्टीरियरली ये फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। एंटीरियरली तो दे आर इंडिपेंडेंट, अलग अलग दिख रहे हैं आपको, पर आप पोस्टीरियरली देखोगे यहाँ पे एक जोड़ सा दिख रहा है आपको, वाई कलर का, वाई शेप का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये फ्यूज़ हो गए हैं। प्रोटोथीरियंस में जो दो ओविडक्ट्स हैं दे रिमेन सेपरेट एंड टर्मिनेट इंडिपेंडेंटली इनटू अ यूरोजेनाइटल साइनस। प्रोटोथीरियंस में तो ऐसा होता है कि ये जो ओविडक्ट्स हैं सेपरेट ही रहते हैं और टर्मिनली ये यूरोजेनाइटल साइनस में खुलते हैं इंडिपेंडेंटली, अलग अलग। ईच डक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन इंटीरियर फेलोपियन ट्यूब। अब हम देखें यहाँ पे, तो देखिए ये हर जो डक्ट है जहाँ से शुरू हो रहा है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू एंटीरियर फेलोपियन ट्यूब, सी दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, ओके, एंड अ पोस्टीरियर यूट्रस। एंटीरियरली तो फेलोपियन ट्यूब है और पोस्टीरियरली देयर इज अ यूट्रस, हियर इट इज, ओके, नाउ यू कैन सी। अच्छा, अब हर डक्ट जो है एंटीरियर फेलोपियन ट्यूब और पोस्टीरियर यूट्रस में डिफ्रेंशिएटेड है। फिर वजाइना जो है दैट इज़ लैकिंग इन द मोनोट्रीम्स, मोनोट्रीम्स में इसलिए वजाइना नहीं होता। प्लैटिपस जो है उसमें दो बोध ओविडक्ट्स आर प्रेजेंट, ओनली वन इज़ फंक्शनल, नो एग्स हैव एवर बीन फाउंड इन द राइट ओविडक्ट। ज़्यादातर प्लैटिपस में लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल होता है और राइट ओविडक्ट जो है वो नॉन फंक्शनल होता है। मेटाथीरियंस की बात करें तो, और यूथीरियंस में जो मोलेरियन डक्ट हैं दे डिफ्रेंशिएट इनटू द फेलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पे देखिए फेलोपियन ट्यूब्स में डिफ्रेंशिएट हो गए, यूट्राई में डिफ्रेंशिएट हो गए और वजाइना में, यानी मोलेरियन डक्ट जो है, जो ओविडक्ट है बेसिकली, उसके तीन रीजन्स बन जाते हैं। एंटीरियर मोस्ट रीजन इज द फेलोपियन ट्यूब, देन इज द दिस थिंग यूट्रस एंड देन इज द वजाइना, ओके। ये आप देख सकते हैं किसमें, दिस इज फाउंड इन यूथीरियंस। अच्छा, अब जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं ये शॉर्ट हैं, नैरो हैं, कन्वोल्यूटेड हैं और लाइंड हैं विद सीलिया, सीलिया से लाइंड हैं, शॉर्ट हैं, नैरो हैं, कन्वोल्यूटेड हैं, ओके। ये जो हैं लेटर ऑन दे ओपन टू द सीलोम बाय ओविड्यूकल फनल, द
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फनल सा बना हुआ है इनके ऊपर की तरफ, विच इज़ कॉल्ड दी ओविड्यूकल फनल. ओके, सो दे लेटर ऑन ओपन इनटू द सीलोम बाय एन ओविड्यूकल फनल और द ऑस्टियम विच इज़ बॉर्डर्ड बाय डेलिकेट फिम्ब्रिएटेड मेम्ब्रेन. बहुत ही पतली सी झिल्लीदार मेम्ब्रेन होती है इसकी. ओके, हर फेलोपियन ट्यूब जो है दैट इज़ फॉलोड बाय अ यूट्रस. नाउ यू कैन सी दिस दिस फेलोपियन ट्यूब इज़ फॉलोइंग एंड इट इज़ पोस्टीरियरली देयर इज अ स्वोलन पार्ट विच इज़ कॉल्ड द यूट्रस, जहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. जो टर्मिनल पार्ट है मिलेरियन डक्ट का दैट फॉर्म्स द वजाइना, इसके भी नीचे एक वजाइना होता है ना, इन विच द वजाइना होता है विच रिसीव्स द इंटरमिटेंट ऑर्गन्स ऑफ द मेल ड्यूरिंग पॉपुलेशन. सो दिस इज हाउ द ओविडक्ट या यू कैन से फीमेल यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल ओविडक्ट, वी कैन से द ओविडक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इन मैमल्स. एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है सबसे पहले ओविड्यूकल फनल है विच रिसीव्स दी ओवा फ्रॉम दी ओवरी. देन दिस एंटीरियर मोस्ट पार्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फेलोपियन ट्यूब्स. द मिडिल रीजन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू यूट्रस एंड द टर्मिनल पार्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ वजाइना. मैम मार्सुपियल्स में क्या होता है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियोनिक मिलेरियन डक्ट एंड द प्रिमिटिव पेयर्ड कंडीशन इज रिटेन्ड. कई में ये जो डबल आपको ये दिख रहे हैं ये कई में तो रिटेन होते हैं और कई में दिस इज फ्यूज्ड एंड ओनली सिंगल डक्ट कैन बी सीन. फीमेल ट्रैक जो है दैट इज डबल्ड होता है यहाँ पे, इसमें दो यूट्राई दो वजाइना ऑल द वे टू द यूरिनोजेनिटल साइनस. मार्सुपियल्स में इसलिए डुप्लेक्स यूट्रस जो है ये इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है मार्सुपियल्स में. यू कैन सी डुप्लेक्स यूट्रस. ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो वी कैन सी दैट मार्सुपियल्स में ये देखिए ये देखिए यहाँ पे आप डुप्लेक्स यूट्रस देख सकते हैं. देर आर टू यूट्रस, टू फेलोपियन ट्यूब्स तो हैं ही पर यूट्रस भी दो हैं और सिंगल वजाइना हो जाता है फिर ये. ठीक है, फीमेल ट्रैक जो है दैट इज हेयर इट इज डबल्ड. सो यू कैन सी दिस इन मार्सुपियल्स जिसको हम डुप्लेक्स यूट्रस कहते हैं. यूथीरियन मैमल्स में क्या होता है, जो कॉडल एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक मुलेरियन डक्ट है दैट फ्यूजेस टुगेदर. यूथीरिया में क्या होता है, जो कॉडल एंड है दैट फ्यूजेस टुगेदर एंड लेटर ऑन इट एज अ रिजल्ट जो अडल्ट है, अडल्ट फीमेल है, इसके अंदर जो फीमेल ट्रैक्ट है एंटीरियरली तो पेयर्ड होता है बट अनपेयर्ड पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ ही अनपेयर्ड होता है. शुरू में दो फेलोपियन ट्यूब्स आपको देखने को मिलेंगी, यूट्रस भी आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर डबल है पर यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है लास्ट रीजन में इसके. सो इट बिकम्स अनपेयर्ड पोस्टीरियरली और टर्मिनली, है ना. तो दो वजाइना जो है दे फ्यूज इनटू अ सिंगल ट्यूब बट टू यूट्राई जो है दे एग्जिबिट वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्यूजन. हो सकता है पूरे के पूरे यूट्रस में फ्यूजन हो जाए, हो सकता है उनके पोस्टीरियर पार्ट में फ्यूजन हो जाए, तो इसलिए वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्यूजन कैन बी सीन. ओके, ड्यूप्लेक्स यूट्रस में हम देख सकते हैं कि द टू यूट्राई दे डू नॉट फ्यूज एंड दे ओपन सेपरेटली इनटू द वजाइना. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये ड्यूप्लेक्स यूट्रस है, यहाँ पे दो यूट्रस हैं, दे आर ओपनिंग सेपरेटली इनटू द वजाइना. दिस कंडीशन इज फाउंड इन मेनी रोडेंट्स, एलिफेंट्स एंड सम बैट्स एंड कई सारे और एनिमल्स में या और मैमल्स में ये मिलता है. बायपार्टाइट यूट्रस पे क्या होता है, ये दो यूट्राई जो हैं दे फ्यूज टुगेदर एट देयर लोअर एंड, लोअर एंड्स पे फ्यूज हो जाते हैं. देयरफॉर द टू कंप्लीट यूट्राई ओपन बाय अ सिंगल अपर्चर. अब आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज बायपार्टाइट, इसमें दो यूट्रस जो है नीचे की तरफ से फ्यूज हो गए हैं और ये वजाइना में सिंगल अपर्चर से खुल रहे हैं. तो यहाँ पर ये कई सारे पिग्स में, कैटल्स में, कुछ बैट्स में, कुछ रोडेंट्स में बायपार्टाइट यूट्रस देखने को मिलता है. ओके, यहाँ पे यूट्रस जो है लोअर साइड पे फ्यूज हो जाता है पर अपर साइड पे ये सेपरेट रहता है और सिंगल ओपनिंग से वजाइना में खुलता है. अब बायकॉर्नोएट यूट्रस में क्या होता है, यहाँ पे जो यूट्रस है दे आर फ्यूज्ड पर मोर कम्प्लीटली एंड नो पार्टीशन इज सीन बिटवीन दैम. यहाँ पे देखिए अब आप फेलोपियन ट्यूब तक पार्टीशन है, उसके बाद पूरा यूट्रस फ्यूज हो गया है एक साथ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर पार्ट पे फ्यूज हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक फ्यूज हो गया है. लोअर पार्ट में एक सिंगल ल्यूमन होता है विद टू यूट्रीन हॉर्न्स, यहाँ पे यूट्रीन हॉर्न्स होते हैं. ये देखिए सिंगल वो है यहाँ पे सिंगल ल्यूमन है विद टू यूट्रीन हॉर्न. बायकॉर्नोएट यूट्रस इज फाउंड इन
अनग्यूलेट्स में, वेल्स में और इनमें पाया जाता है। इंसेक्टिवोरस में, कई कार्निवोरस में पाया जाता है। सिंप्लेक्स यूट्रस जो है, दिस इज दी, यहाँ पे जो टू यूट्राई हैं दे फ्यूज कम्प्लीटली, ओके, और ये एक सिंगल बॉडी बना लेते हैं। एंड आर देर आर नो यूट्रीन हॉर्न्स, यहाँ पे यूट्रीन हॉर्न्स नहीं होते। यहाँ पे हमने देखा कॉन्वर्ट में, बाय कॉन्वर्ट में दो यूट्रीन हॉर्न्स जैसे आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देर आर नो यूट्रीन हॉर्न्स सीन। और जो ओविडक्स हैं दे ओपन डायरेक्टली इन टू द यूट्रस। नाउ सी दीज ओविडक्स आर देयर विच ओपन डायरेक्टली इन टू द यूट्रस। यूट्रस एप्स का, मंकीज का, ह्यूमन बींग्स का, दिस इज ऑफ सिंप्लेक्स टाइप। सो दिस इज अबाउट दी यूरिनो जेनाइटल और दी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्स इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, ओके।